हेलो माय फ्रेंड्स एंड गार्डनर्स, आपका वेलकम है प्लांट लैंड में। आज हम अपने जो अडेनियम के प्लांट्स हैं उनमें पॉलिनेशन करने वाले हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। दो तरह की पॉलिनेशन होती है, सेल्फ एंड क्रॉस। मैंने इसमें एक कर्बी रखी है, वो सेल्फ पॉलिनेशन है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, चांसेस थोड़े लेस होते हैं, बीमारियों के चांस ज़्यादा होते हैं। क्रॉस में ऐसा कुछ नहीं होता। ये वो बर्ड है जो रेडी हो रही है अभी, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज गेटिंग रेडी। मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि एक हाथ से मैंने अपने मोबाइल को पकड़ा हुआ है, इसलिए ये जो बर्ड है ये वही बर्ड है जो पोलिनेट हो चुकी है। इसके अंदर सीड पॉड है छोटे छोटे। चलो तो अब मैं आपको दिखाता हूँ हमें कौन कौन से टूल्स की नीड है। ये जो टूल्स है हमें इनकी नीड्स है। टूथपिक हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्रॉस के मैंने टेप से और पेजेस काट कर बनाए हैं, जिनको भी हम पोलिनेट करेंगे क्रॉस उन पर हम इन्हें लगा देंगे। इसे हमें डिप करना है पानी में और फिर हमें पोलन इकट्ठा करना है, कलेक्ट करना है। लेट्स गो, चलो स्टार्ट करते हैं। ये मेरा एक अडेनियम है जिसमें बहुत अच्छी ब्लूम हो रहा है, फ्लावरिंग हो रही है बहुत अच्छी। आज हम इसको पोलिनेट करेंगे। इसमें मैं क्रॉस और सेल्फ दोनों करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ क्रॉस दिखाने वाला हूँ। सेल्फ पोलिनेशन उसी में होती है, सेम प्लांट से, सेम प्लांट के फ्लावर से, या सेम फ्लावर को ही पोलिनेट करना सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। लेट्स गो। तो हमें क्या है, हमें इसे फ्लावर को काटने की जरूरत है सबसे पहले, बिल्कुल बीच में से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सुई का इस्तेमाल किया है, मुझे इसे इस्तेमाल करना बहुत पसंद है। इससे बहुत इजीली मेरा काम हो जाता है। मैंने देखा है लोग कटर ब्लेड इन चीज़ों का वे यूज़ करते हैं, मुझे यह सबसे आसान लगता है यूज़ करना। इसमें हाथ मेरा पीछे तक जाता है। अब हमें कुछ नहीं करना, इसे खोलना है और इसमें जो पोलन है उसे कलेक्ट करना है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें आपको एक कैप नज़र आ रही होगी, उसके ऊपर सारा पोलन होता है। थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, एक हाथ में कैम है इसलिए मुझे एक हाथ से करना पड़ रहा है सब कुछ। इसे हमने डिप करा पानी में और अब आप देखना मैं कहाँ पर इसे टच कर रहा हूँ, वहाँ पर पोलन होता है जहाँ से मैं इसे टच करने वाला हूँ। ये देखिए, ये पोलन कलेक्ट हो चुका है। ये बिल्कुल हमारा जो रिसेप्टिव होता है, रिसेप्टिव उसके ऊपर होता है, वहीं से मैं कलेक्ट करना होता है। अब मैं इसे रख देता हूँ और हम सेम दूसरे प्लांट के डिफरेंट कलर के फ्लावर के साथ क्रॉस करेंगे। उसके लिए मैं दूसरी टूथपिक यूज़ करने वाला हूँ। ये रहा हमारा दूसरा प्लांट, आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा डार्क है लास्ट वाले के मुकाबले। तो इसके साथ मैं क्रॉस पोलिनेशन करने वाला हूँ। तो मैंने फ्लावर चूज कर लिया है, पहले मैं इसे कट करूँगा सेंटर से। सेम प्रोसेस जो हमने उसमें करा था वही प्रोसेस हमें इसमें करना है। एक हाथ होने के कारण थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, नहीं तो मैं कट करके दिखा दूंगा।
ये हमने सेंटर में रखा बिल्कुल लास्ट में, और वहाँ से धीरे धीरे ये हो नहीं पा रहा क्योंकि एक हाथ का यूज़ करना पड़ रहा है मुझे। ये देखिए ये कट हो चुका है। अब हमें सेम प्रोसेस यूज करना है, अपना पोलन कलेक्ट करना है इसमें से। और ध्यान रखें हमेशा फ्लावर 2 या 1 डे ओल्ड होना चाहिए, उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं हमारा पोलन सूखता नहीं है। आप फोटो में देख सकते हैं पोलन कहाँ होता है और रिसेप्टिव कहाँ होता है। हमें पोलन को रिसेप्टिव के ऊपर रखना होता है, फिर ये पोलिनेट हो जाता है और सीड पॉड रेडी करने लगता है। ये एक हाथ से डिफिकल्ट था तो मैंने दोनों हाथों का यूज़ करके ये कलेक्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हमें इसमें जो हमारा फर्स्ट फ्लावर था उसके रिसेप्टिव पर रखना है इसे। उसका जो रिसेप्टिव होता है वो बिल्कुल उसी के नीचे होता है। जहाँ से हमने पोलन कलेक्ट किया है उसी के नीचे। Now I can show you better। मैंने फ्लावर को फोल्ड कर दिया है। ये देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा ड्रम टाइप, उसके ऊपर रखना है हमें। सॉरी मैं दिखा नहीं पा रहा, फिर भी आप डन। ये पोलिनेट हो चुका है। अब हमें इसका जो फ्लावर है, अब हमें इसे ऊपर मतलब इसको पूरा फोल्ड करके बंद कर देना है ताकि इसके अंदर कोई और मतलब पोलिनेट करने के लिए घुस ना जाए कोई इंसेक्ट, उससे बचाने के लिए। मैं इसे बंद करके दिखाता हूँ आपको। डन, आप देख सकते हैं। और इसको करने के बाद हम प्लांट को छाया में रखेंगे, शेडी एरिया में। ये मैंने दूसरे पे भी सेम प्रोसेस किया है और ये भी हमारा डन हो चुका है। आपको मैं फोटो दिखाता हूँ
उसमें देखकर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हम कि स्टिग्मा कहाँ होता है, मीन रिसेप्टिव, जहाँ हमें पोलन रखना होता है। अब मैं पूरे प्लांट के ऊपर सेम प्रोसेस करने वाला हूँ। आपका कुछ टाइम बाद कुछ ऐसा सीड पॉड्स बन के रेडी हो जाएंगे विद इन 1 मंथ। इफ़ यू लव द वीडियो प्लीज़ शेयर, थैंक यू। और हमारा फेसबुक पर पेज है, उसे लाइक करें क्योंकि हम ज़्यादातर प्लांट अपने वहीं सेल करते हैं। ये देखिए, इस पे भी डन हो चुका है दोनों फ्लावर पर और इस पर भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं दोनों हाथों से काम कर सकूं। थैंक यू।